सब बैठ जाओ, अभी आएगा माइक। राधे राधे गुरु जी। जी सभी भक्तों को पहले आप आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। गुरु जी हमारा ये प्रश्न है कि आजकल लोग मंदिरों पे सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े करते हैं कि मंदिर खाने को देगा कि मंदिर रोजगार देगा। तो लोग आजकल के मतलब मंदिरों पे प्रश्न खड़े करते हैं, पर किसी बहन बेटी की इज्जत जाती है तो लोग एक बार भी उंगली नहीं उठाते कि बहन बेटियों के ये साथ क्यों हो रहा है। सही है। तो गुरु जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं आप। तो मंदिरों पे लोग कहते हैं रोजगार, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर खाने को नहीं देगा, और बहन बेटी की इज्जत जाती है तो कोई एक बार नहीं कहता है, कोई भी नेता मंदिरों से ना, योगी बाबा जी को छोड़ के कोई नेता किसी लड़की के हित के लिए खड़ा नहीं होता है। इसलिए हम कथाओं से कहते हैं कि चौराहे में खड़ा करके उसे फांसी देना चाहिए बलात्कारियों को चौराहे में। दूसरा, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना चाहिए। तीसरा, मंदिर हाँ जी गुरु जी। देखो एक मंदिर जहाँ होता है ना, हाँ गुरु जी, तो वहाँ कितने सारे फूल वाले, कितने सारे चंदन वाले, हाँ गुरु जी, कितने सारे लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है। हाँ गुरु जी। कहीं एक मंदिर है, उज्जैन में एक मंदिर है, तो पूरे उज्जैन के लोगों को उस एक मंदिर ने लगभग रोजगार दे रखा है। हाँ गुरु जी। किसी की होटल चल रही है, किसी की दुकान में फूल बिक रहे हैं, किसी के कपड़े बिक रहे हैं, तो क्राउड तो जाता ही है ना। हाँ गुरु जी। तो पब्लिक तो जाती है, तो जब पब्लिक जिस जगह जाएगी, हाँ गुरु, वहाँ के लोगों को फायदा तो होगा। भाई पानी की बोतल बेचने वाले को भी लोगों के जाने से फायदा है कि नहीं? हाँ गुरु जी। इसलिए मंदिर के होने से सबका, राम मंदिर बना, हाँ गुरु जी, एक राम मंदिर बनने से वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। पानी की दुकान वालों का भी पानी बिकने लगा तो उसे भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। हाँ गुरु जी। समोसा वाले के समोसा अधिक बिकने लग गए तो ये प्रॉफिट ही तो है। तो मंदिर के होने से कहीं नुकसान नहीं है। तो गुरु जी हमारे देश में, हाँ गुरु जी, सोमनाथ का मंदिर इतना सोना था, सोमनाथ के मंदिर में, हाँ गुरु जी, के लुटेरों को लूटने में सालों लग गए थे, सालों तक लूटते रहे वो। हाँ। मतलब इस तरह से मंदिरों में धन था, हाँ उस धन को लूट लिया। अच्छा मंदिरों में धन क्यों था? मंदिरों में धन इसलिए होता है कि यदि संकट खड़ा हुआ, हाँ, तो मंदिर ही भरपाई करेगा। जैसे कोरोना काल आया, हाँ गुरु जी, कोरोना काल आया तो पूरे कोरोना काल में जब वृंदावन में सारे रिक्शे वाले परेशान हो गए, हाँ गुरु जी, सबके घर का आटा और सिलेंडर खत्म हो गया, तब आप उस समय की वीडियो उठाकर देख लेना, प्रमाण है। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता रहा, हजारों लोग यहाँ से भोजन लेके घर जाते, अपने बच्चों को खिलाते, ना आटा खरीदने की जरूरत पड़ी, ना सिलेंडर, किसी को जितना हो सका हजारों लोगों का पेट भरा गया। और आज भी एक गौरी गोपाल 30,000 लोगों की सेवा पर डे कर रहा है, एक मंदिर, एक गौरी गोपाल। ऐसे हमारे यहाँ जो मंदिर होते थे ना, उन मंदिरों में गुरुकुल चलता था, जैसे आज मदरसों में चल रहे, मदरसे चल रहे हैं। हमारे यहाँ की गुरु परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा रही है। आज वो गुरु परंपरा क्यों नष्ट हो गई? मस्जिदों को, मदरसों को सरकार अपने अंडर में नहीं लेती, हाँ गुरु जी, लेकिन सारे मंदिरों का चढ़ावा सरकारें रख रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ गुरु जी पता है। तिरुपति बालाजी का सारा चढ़ावा वहाँ की गवर्नमेंट रखती है। और आश्चर्य मानेंगे, पूरा तिरुपति बालाजी के धन से वहाँ का वो आधा सा अधिक राज्य चल रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है उस चढ़ावे से। जैसे जगन्नाथ जी में मतलब इतना सोना निकला जो सरकार ने अपने अंडर में लिया। बिल्कुल, सारा सरकार ही ले लेती है। हाँ गुरु। और गुरुकुलों को संचालित नहीं कर रही है सरकार, ये बड़ी दुख की बात। पैसा तो रख रही है सरकार, पर गुरुकुलों को संचालित नहीं कर रही है। पर गुरु जी जो मंदिरों पर कहते हैं जो खाने को नहीं देते,
तो मतलब प्रश्न खड़े करते हैं, वो बहन बेटियों पे मतलब कहते हैं कुछ सवाल नहीं खड़े करते कि बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए या मतलब इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। दलित बेटियों के साथ भी होता है ऐसा, वो नेता लोग नहीं खड़े करते सवाल उस पर। बेटा देखो, जब भी बेटियों की बात आए ना तो बेटियों में कभी दलित और सवर्ण मत लगाया करो। बेटी तो बेटी है, चाहे दलित की हो चाहे ब्राह्मण की हो चाहे कोई हो, बस बेटी को बेटी की नजर से देखो। गुरुजी जो राजनीति, न्याय मिलना चाहिए। हम आजकल क्या होता है, दलित की बेटी, छत्री की बेटी, ब्राह्मण की बेटी। अरे भाई, बेटी ब्राह्मण छत्री की नहीं है, बेटी हम सबकी बेटी है। वो बेटी में जातवाद देखो, अब आप लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि जातवाद शुरू कर दी। अब बताओ जातवाद कहाँ हमने शुरू की? आज न्यूज चैनलों पे आप जाके देखना, न्यूज वाले क्या बोलते हैं, दलित की बेटी पे अत्याचार हुआ फलाने। क्यों गुरुजी, ये मेरा प्रश्न नहीं था। जैसे मैं आपके माध्यम से सबको कह रहा हूँ कि बेटी के लिए जब बात आए तो वहाँ दलित जोड़ने की क्या जरूरत है, वहाँ जातवाद का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? क्या बेटी केवल दलित की है? क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य की नहीं है? सबकी बेटी है बेटा। वो बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके अत्याचार करने वाले की फांसी होनी चाहिए। जैसे वो डॉक्टर बेटी की आंखें फोड़ी उसने, उसके साथ दुराचार किया, उसकी भी आंखें फोड़ के उसे चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए, फांसी पे। और कभी आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है न्यूज चैनल वालों को, मेरे कहने से तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे समझेंगे, लेकिन फिर भी कहना, अच्छी बातें बंद नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी अत्याचार किसी पर हो तो कभी जातवाद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ गुरु जी। सब देखो, मैं भूखा हूँ ना, आप भूखे हैं ना, ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है, भूख तो सबकी भूख है। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है, भाई भूख पे बात करो, भूख दलित की है कि ब्राह्मण की है, वो भूख तो सबकी एक बराबर होती है ना, बेटी सबकी एक है। आगे बोलो गुरुजी। जैसे कि जिसने प्रश्न खड़ा किया था वो कहते थे कि मतलब ये मंदिर खाने को देगा, तो दलित बेटियों के साथ वो मतलब कहते दलित बेटियां हमारी भाई बहन है, तो पर वो दलित बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलते फिर? कौन? जो चंद्रशेखर रावण जी हैं। अब वो रावण जी जो हैं, वो कथा सुने तो उन्हें सब समझ में आए कि क्या क्या बोला जाता है। अब वो केवल 5 सेकंड की क्लिप देखते रहेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा? हाँ गुरु, कथा सुनेंगे तो सब कुछ बोला जाता है। अब देखो ना, नेता कोई भी बन जाए साहब, ऊंट पर बैठने वाला हिलने लग जाता है। जो नेता बनता है वो नेता बन जाता है, वो सामान्य लोगों की बातें समझना, भावनाओं को समझना भूल जाता है, चाहे वो कोई हो। जब तक आदमी नेता नहीं है तब तक वो बढ़िया बातें करता है, तब तक वो समाज का हित चाहता है, लेकिन जैसे ही नेता बना बस अब उसे लगा सत्ता आ गई, अब क्या करना, किसकी बातें करना, फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। सत्ता में बहुत गर्मी होती है, सत्ता में क्या होती है, बहुत गर्मी होती है, गर्मी होती है, घमंड होता है, घमंड। इसलिए सत्ता में रहने वाले लोग समाज का भला कम ही कर पाते हैं, वो अपने भले में लग जाते हैं। गुरु जी एक प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि मतलब कर्म से बड़ा धर्म है, तो धर्म से बड़ा कुछ है? धर्म से बड़ा भगवान ही है बेटा। धर्म तो देखो, रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है, भगवान धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु जी मैंने सुना है कि धर्म से बड़ा दया है। ठीक है, दया धर्म का मूल है, पर गुरु जी आज इस्कॉन मंदिर जो बांग्लादेश में था जो जलाया गया, तो मतलब वो दया तो उन्होंने ही की थी ना, फिर भी जलाया गया। सही कह रहे हैं आप। और आज मतलब बांग्लादेश में कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, तब भी इस्कॉन मंदिर के पंडित लोग मतलब जो लोग हैं वहाँ पे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उन लोगों को भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सही है, सनातन जो है ना बेटा, कहीं भी होगा। हाँ गुरु जी। तुम हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन सनातनी जब बोलेगा तो देश के, समाज के, राष्ट्र के हित में ही बोलेगा। हाँ, करेगा तो सबका भला। मंदिरों को तोड़ा गया,
हाँ गुरु जी, मुगलों ने अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तो वो मुस्लिम कंट्री में नहीं गई अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, भारत में उसे लगा कि मैं मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं हूँ, मुस्लिम महिला को भी सुरक्षा मिली तो भारत में हिंदुओं के बीच में मिली। हाँ गुरु जी, हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों को भी विश्वास है, लेकिन ये फिर भी हिंदुओं को सताया इसलिए जाता है क्योंकि हिंदू संगठित नहीं होता, हिंदू जरूरत से ज़्यादा दया करता है और इसकी दया ही कई बार इसे पतन की ओर ले जाती है। ठीक है, चलो सबको मौका दो अब।